हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वाली कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट मिसल पाव। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 150 ग्राम मटकी को मैंने कुकर में हल्दी और नमक डाल के एक सीटी पे पका लिया है। दो टमाटर, दो प्याज, तेल, एक कप कसा हुआ सूखा नारियल, इमली, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, धनिया बारीक कटा हुआ, अखा धनिया, गरम मसाला पाउडर और शक्कर। तो चलिए शुरू करते हैं मिसल बनाने की प्रोसीजर। अब हम सबसे पहले मिसल के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ। और 1 चम्मच अखा धनिया। इन्हें हम अच्छे से भून लेते हैं। धनिया और जीरा को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें कसा हुआ सूखा नारियल डाल देते हैं और नारियल को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। नारियल का कलर सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लेते हैं और इसमें हमारा प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम सुनहरा होने तक पका लेते हैं। प्याज का कलर सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को गलने तक पका लेते हैं। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें 1/2 कप पानी मिलाकर इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन की कलियां डाल देते हैं और इन दोनों की मिक्सर में बारीक पेस्ट कर लेते हैं। हमने मसाले की पेस्ट बना ली है। अब बढ़ते हैं मिसल बनाने की ओर। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें राई डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं और अब हम इसमें हमारा मसाला डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से तेल छूटने तक पका लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसे अच्छे से तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेते हैं और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारी उबली हुई मटकी मिला लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ तीखा ज़रा ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मिसल तो तीखी होती है, पर अगर आप तीखा कम खाते हो तो मसाला कम ऐड करें। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखते हैं। इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें नमक मिला लेते हैं स्वाद के अनुसार, पर एक बात का ध्यान रखें कि मटकी को उबालते वक्त हमने इसमें नमक मिलाया था, तो इसमें ज़रा नमक कम ही ऐड करें। और गरम मसाला डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच। फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं
अब हम इसमें इमली का पानी मिला देते हैं और एक चम्मच शक्कर मिला देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें एक कप पानी ऐड कर देते हैं। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर ज्यादा गाढ़ा पसंद हो तो पानी कम मिलाए। अब इसे कवर करके और 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखते हैं। वाव, आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसे तरी भी अच्छी छुट्टी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ऊपर से धनिया पत्ता डाल के इसे 5 मिनट के लिए फिर से एक बार कवर करके रख देते हैं और फिर इसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश, मसालेदार और तर्रीदार मिसल पाव। आप भी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर ये आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय। वॉचिंग अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ,